आज तैयार किए हमने अपनी ड्रीम क्रेटा। जी हाँ, क्रेटा ऐसी जो सबका ड्रीम है, जिसमें जो सामान लगाया वो सबका ड्रीम है। हर चीज़ क्वालिटी प्रोडक्ट, ओरिजिनल प्रोडक्ट और ऐसी चुनिंदा आइटमें होता है कि बेस मॉडल क्रेटा को लेकर अपने मर्जी के मुताबिक, जी हाँ अपनी चॉइस के मुताबिक उसको मॉडिफाइड किया जाए और साउंड सिस्टम, एसेसरी, हर चीज़ अपनी मर्जी से लगाई जाए। और कहाँ से लगानी है जेन्युइन एसेसरी, आप लोगों को पता है, क्लासिक कार रमेश नगर दिल्ली में। मैं शैलेंद्र चौधरी आपका स्वागत करता हूँ और आज के इस व्लॉग को शुरू करते हैं। दिखाते हैं हमने क्रेटा में कौन कौन सी एसेसरी लगाई है और क्या क्या उसमें जेन्युइन एसेसरी है। और आपको भी अगर लेनी है और बनानी है अपनी ड्रीम क्रेटा तो भाई ये वीडियो आपके मतलब की है, इसको जरूर देखें। सबसे पहले बताएं, ये क्रेटा का बेस मॉडल ई वेरियंट है, जिसे आपको बेस मॉडल की इस कटिंग देख के पता लग जाएगा। इसके अंदर हमने जो ग्रिल लगाई है, जी हाँ फ्रंट की ग्रिल लगाई है, जो 100% ओरिजिनल है, डब्बा पैक है भाई, ओरिजिनल एकदम फर्स्ट क्लास आइटम, यूज़ नहीं है, पुरानी नहीं है, लॉट का माल नहीं, जेन्युइन चीज़ फ्रंट ग्रिल। और क्रोम चिपकाया नहीं है, ये क्रोम देख के आपको पता चल जाएगा ग्रिल पे जो स्टिकर लगा हुआ है कि ये हुंडई का ओरिजिनल पार्ट है। अगली चीज़ जो हमने हेडलाइट में आप देख रहे हैं, वाइट रोशनी, प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। तो भाई प्रोजेक्टर के अंदर हम लोग हमेशा ही HID को प्रेफर करते हैं, LED को हम फॉग लाइट में लगाते हैं। HID का फोकस लेंथ और जो बीम है वो बहुत अच्छा होता है LED के मुकाबले। अगर आपकी गाड़ी में प्रोजेक्टर है तो आपको HID के साथ जाना चाहिए। अगर कोई और गाड़ी है जिसमें प्रोजेक्टर नहीं है तो आप LED भी उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने लगाई है SK लाइट कंपनी की ओरिजिनल, जो हुंडई का ओरिजिनल पैटर्न है, उसकी लगाई है हमने HID। और नीचे फॉग लाइट, भाई फॉग लाइट लगाई है, एयर स्कूप लगाया, रिले लगाई है प्रॉपर RD की, और इसके अंदर कपलर भी लगाए हैं। ये सारी चीज़ें मिला के सिर्फ 2500 के साथ हम विद फिटिंग के साथ देते हैं ये फॉग लैंप को। रिले 900 रुपये की है, अगर फॉग लाइट लगा लें तो 800 की फॉग लाइट, और एयर स्कूप और कपलर मिला के 100-200 रुपये लगते हैं। तो 2500 रुपीज़ में हमने विद इंस्टॉलेशन आ दिया। इसके अंदर जो LED लगाई है GT सीरीज़ की लगाई है, 2 साल की वारंटी के साथ है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की LED है, जो जिसके चार्जेस 2500 रुपये से अलग हैं। तो फ्रंट हमने पूरा इसका कवर कर लिया, देख लिया कि हमने इसके अंदर ऊपर HID लगाई है और नीचे लगाई है LED। अब आ जाते हैं हम म्यूजिक सिस्टम की ओर। इसके अंदर जो हमने हेड यूनिट लगाया वो लगाया है सोनी का 8100, सोनी 8100 नंबर लगाया। साथ में लगाए हैं JL ऑडियो C1 के कॉम्पोनेंट और JL ऑडियो C1 के क्वाल। हमारी क्रेटा में हमने फ्रंट के साथ साथ इसमें लगाई है साइड मिरर फोल्डिंग किट, जहां ऑटो फोल्ड ORVM इसके अंदर इंस्टॉल किया गया, जिसको सेंटर लॉकिंग के साथ भी कनेक्ट किया है। जैसे ही हम इसको अनलॉक करते हैं साइड मिरर अनफोल्ड होते हैं, और लॉक करते ही साइड मिरर फोल्ड हो जाते हैं। क्रेटा की ऑटो फोल्डिंग, जी हां ORVM दोनों के दोनों साइड मिरर जो हमने लगाए हैं, ये 100% हुंडई का ओरिजिनल पार्ट है। नीचे डोम लाइट वाले शीशे देखकर आपको बदल जाएगा, ये टॉप मॉडल के साइड मिरर हैं, इसमें पूरी तरीके से इंस्टॉल किए गए हैं। और 100% ब्रांड न्यू बॉक्स पैक साइड मिरर हमने इसके अंदर लगाए हैं। साइड में जो हमने लगाया है एयर वेंट स्कूप, मैं पहले बता दूं कि साइड मिरर फोल्डिंग में जो हमने साइड मिरर का स्विच भी लगाया, वो भी हमने हुंडई क्रेटा का ओरिजिनल लगाया, वेन्यू वाला स्विच नहीं लगाया। और लॉक करने पर ये लॉक हो जाता है, अनफोल्ड करने पर अनफोल्ड हो जाता है। साइड मिरर फोल्डिंग किट भाई आप लोगों के लिए हम ले आए हैं सिर्फ 12000 रुपये में। जी हाँ, 12000 रुपये में दोनों साइड मिरर और अंदर का स्विच, वायरिंग, रिले, फिटिंग के साथ 12000 रुपये में आपको दे रहे हैं। इससे सस्ता जेन्युइन सामान आपको कोई भी देने वाला नहीं है भाई, तो आ जाओ। ये चीज़ हमने इसके अंदर जो लगाई गई है बाकायदा परफेक्ट फिटिंग के साथ, स्क्रू के साथ, जी हाँ विद स्क्रू के साथ इंस्टॉल किया, चिपकाया भी गया है, और साथ में इसमें स्क्रू भी लगाए गए हैं ताकि मजबूत चीज़ लगाई जाए। डोर वाइज़र 100% हुंडई के ओरिजिनल इसके अंदर इंस्टॉल किए गए हैं। देख रहे हैं आप डोर वाइज़र के लुक, कोई क्रोम बीडिंग वाले नहीं लगाए, ओरिजिनल हुंडई के डब्बा पैक इसके अंदर डोर वाइज़र लगाए। विंडो गार्निश लगाई गई है, जो आपकी देख रहे हैं बेहतरीन विंडो गार्निश इसके अंदर इंस्टॉल की गई है, परफेक्शन के साथ लगाई गई चीज़। क्रोम के हैंडल आप देख रहे हैं, साइड की बीडिंग, भाई ये लुक तो आपको देखनी चाहिए कि कितनी शानदार चीज़ हमने इसके अंदर
इंस्टॉल किया, परफेक्शन के साथ लगाई गई ये साइड बीडिंग, जो आपको अपनी गाड़ी में ज़रूर ज़रूर लगानी चाहिए। अलॉय व्हील, जी हाँ, अलॉय व्हील की बात करें तो इसके अंदर हमने 17 इंची डायमंड कट अलॉय व्हील लगाए हैं। जी हाँ, हुंडई के ओरिजिनल बॉक्स पैक अलॉय व्हील है। और इसके साथ में हमने लगाए हैं योकोहामा के टायर। जी हाँ, इसमें पहले 16 इंची अपोलो के टायर लग के आए थे, जिन्हें हमने एक्सचेंज किया है योकोहामा के टायर के साथ। और बता दूँ कि ये अलॉय व्हील जो होते हैं हमारे पास बॉक्स पैक, ब्रांड न्यू नए होते हैं, यूज़ उतरे नहीं होते। और ये जो कैप लगाते हैं हम भाई, कैप भी हुंडई की ओरिजिनल लगाते हैं, डब्बा पैक, लूज़ या आफ्टर मार्केट या चाइनीज़ कैप हम नहीं लगाते हैं। योकोहामा के टायर लगाए भाई, बहुत अच्छी चीज़ जो कि आप देख रहे हैं, हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया है परफेक्शन के साथ। पूरी चीज़, हर चीज़ तरक्की से, तसल्ली से लगाई गई है। शार्क एंटीना, जी हाँ, शार्क एंटीना भी 100% हुंडई का ओरिजिनल हमने इसके अंदर इंस्टॉल करके दिखाया। पीछे लगाया हमने HD कैमरा, जो पूरी परफेक्शन के साथ, प्रॉपर फिटिंग के साथ 00 HD कैमरा हमने इसके अंदर इंस्टॉल। इसके अंदर घुसते ही ये वेलकम प्लेट आपका स्वागत करेगी, जिसमें ब्लू एल्यूमिनेशन के साथ जो लाइट है बिल्कुल परफेक्शन के साथ लगाई गई है। बहुत पहले बता दूं, इसके अंदर हमने जो स्टीरियो लगाया है वो लगाया है सोनी का 8100। जी हाँ, 8100 नंबर स्टीरियो हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया है, जो प्रॉपर फिटिंग के लिए, क्वालिटी के लिए जाना जाता है। बेहतरीन चीज़ जो हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया, स्टेयरिंग ऑडियो कंट्रोल, जैसा कि बताया कि 100% ओरिजिनल है भाई। क्रूज़ कंट्रोल 100% ओरिजिनल ही हमने आज तक लगाए, आज तक स्टेयरिंग ऑडियो कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल हमने किसी को भी आफ्टर मार्केट या लोकल नहीं लगाया। किसी की गाड़ी में भी लगाया तो भाई जेन्युइन सामान ही लगाया। साइड मिरर फोल्डिंग मैं बता दूँ आपको, हमने इसी ट्रिम के अंदर कटिंग करी है, कोई भी हमने ट्रिम इसका चेंज नहीं किया। आप देख रहे हैं इसकी हमने प्रॉपर फिनिशिंग के साथ 00 फिटिंग के साथ कटिंग किया, जो पूरा का पूरा ये काम करता है। चाबी ऑन करके दिखा दूं, जैसे ही हम इग्निशन ऑन करेंगे तो एक बटन दबाते ही ये फोल्ड हो जाएगा, और एक दो बटन दबाते ही ये अनफोल्ड भी हो जाता है। तो हमने इसके अंदर ये क्रेटा का ओरिजिनल स्विच लगाया, जो वन टच वाला है, वेन्यू वाला स्विच हमने इसके अंदर इंस्टॉल नहीं किया है। लोग वेन्यू का स्विच लगाए थे, हमने इसके अंदर वेन्यू का स्विच नहीं लगाया, क्रेटा का जेन्युइन स्विच लगाया। इनर क्रोम हैंडल लगाया भाई, ये भी जेन्युइन प्रोडक्ट है। ट्यूटर की स्लैश लगाई है, तो भाई ये भी जेन्युइन प्रोडक्ट है। इसके अंदर GL ऑडियो के कंपोनेंट के ट्यूटर लगाए हैं, सारी चीज़ें जेन्युइन की जेन्युइन है। सनग्लास होल्डर लगाया, तो भाई ये भी हुंडई का जेन्युइन प्रोडक्ट है। देख सकते हो ब्लैक पेच वाला है, परफेक्शन फिटिंग के साथ। LED बल्ब इसके अंदर हमने वाइट किया है। सोनी का स्टीरियो जो लगाया हमने 8100 है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको वायर के साथ मिलता है। बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन, सोनी का ब्रांड आपको इसके अंदर मिल जाता है। भाई कैमरे की क्लैरिटी दिखा दूं आपको, कि जो इसके अंदर कैमरा हमने लगाया है बैगर, इसकी क्लैरिटी क्वालिटी देखते ही बनती है। HD कैमरा भाई, क्लैरिटी वाला कैमरा और सिंगल डोर लाइन के साथ, जो आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक लाइन इसमें सिंगल आ रही है, डबल नहीं आ रही, परफेक्शन के साथ लगाई गई है, पूरी एकदम परफेक्ट चीज़। भाई अगर आप साउंड क्वालिटी के दीवाने हैं, अपनी गाड़ी में अच्छा साउंड सुनना चाहते हैं, तो भाई ये जो हमने इसके अंदर चीज़ लगाई है, सोनी 8100, साथ में GL ऑडियो के कंपोनेंट लगाए हैं, आगे पीछे हमने क्वैक्सल लगाए हैं, जिसका कोई भी कहीं से मुकाबला नहीं है। अगर आप साउंड सिस्टम देखेंगे तो भाई बहुत अच्छी चीज़। और इसके अंदर हमने जो डैम्पिंग की है वो नाकामिची कंपनी की ब्रांडेड डैम्पिंग की है, क्वालिटी में कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, हर चीज़ को परफेक्शन के साथ लगाया गया है। और भी बहुत सारी आइटमें हमने इस गाड़ी में लगाई हैं, तो आपको क्रेटा में अगर काम कराना है तो कहाँ आना है, आपने आना है क्लासिक कार रमेश नगर दिल्ली में, हर आइटम जेन्युइन के लिए।